Hi, the topic is adopting neural fuzzy inference system, which comes under the hybrid computing, which is the combination of two different technologies through which we can overcome the drawback of individual one. So in this video, I will discuss about the following points. First, I will give you the brief introduction about the NFIS system. Then what are the different strengths are there in ANFIS and few limitations are there that I will discuss here. And finally, I will use the MATLAB to implement this ANFIS system. So as per the Lothar Jade, he is the inventor of the fuzzy system. He said that like human perception in almost all the classes have the unsharp boundaries. To prove this here, I will take two different questions. If suppose that I'm going to ask first question, how a particular person looks like. So definitely the other person will give the answer. It may be he looks like good, he's looking nice or something like that. But if we'll ask the question, what are the different measures through which you have said like this? Then there is no exact, sharp boundaries to decide a person looks of the particular person. In the similar manner, suppose that I'm going to ask one another question, how intelligent you are. So that's why once again, there is no sharp or exact boundaries to decide or to take the, to give the answer of that question. So as we know very well, we have already gone through with the two different techniques. One was the neural network and other one was the fuzzy inference system. Both of them have their certain limitation. Just like if we talk about neural network, तो न्यूरल नेटवर्क का काम था प्रिडिक्शन करना, लेकिन वो प्रिडिक्शन ये जो डिसीजन ले रहा है वो कैसे ले रहा है इसको एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था। इसी प्रकार से अगर हम फजी की बात करें तो फजी के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं थी, दोनों में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इट मीन्स जो न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग कैपेबिलिटी और फजी लॉजिक की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने की जो कैपेबिलिटी, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये जो ड्रॉबैक था इंडिविजुअल सिस्टम में से ओवरकम हुआ जा सकता है। तो इन दोनों को ऐड करने पे जो नई टेक्नोलॉजी बनती है उसको हम फजी न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। फजी न्यूरल नेटवर्क का जो मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक है वो है अडॉप्टिव न्यूरल फजी इन्फेरेंस सिस्टम। अडॉप्टिव फजी न्यूरल फजी इन्फेरेंस सिस्टम जो है वो सुजेनो फजी मॉडल पे डेवलप किया गया है। सुजेनो फजी मॉडल में हमने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि वैसे तो जो फजी इन्फेरेंस सिस्टम है उसमें जो रिजल्ट जनरेट होते हैं वो रूल बेस्ड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि इफ म्यू ए आई ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स आपका इनपुट वैल्यू है और म्यू ए आई है मेंबरशिप फंक्शन जो अप्लाई किया गया है एक्स पे। अगर हमारे पास में दो इनपुट हैं एक्स और वाई और इन दोनों पे हम मेंबरशिप फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो इफ एक्स इज हैविंग दिस वैल्यू एंड वाई इज हैविंग दिस वैल्यू, देन अगर ममदानी की बात करोगे तो आप यहाँ पे भी एक मेंबरशिप फंक्शन होगा और यहाँ पे भी उस पर वो वैल्यू इनपुट एज इनपुट जाएगी और मेंबरशिप फंक्शन का जो रिजल्ट यहाँ जनरेट होकर आता था वही रिजल्ट माना जाता था। लेकिन सुजेनो इन्फेरेंस सिस्टम में यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन होती है, यहाँ पे लास्ट आउटपुट जो प्लेस होता है वहां पे एक लीनियर इक्वेशन यूज की जाती है, जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पी के क्यू के एंड आर के जो है एक लीनियर पैरामीटर्स है, लीनियर पैरामीटर्स है जो वैल्यू या तो हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू अस, और अगर हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का यूज करेंगे तो यहाँ लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज की जाएंगी इन पैरामीटर्स को ट्यून करने के लिए। तो अब अपन आते हैं जो मुख्य आर्किटेक्चर है ANFIS का। अगर हम ANFIS के आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पांच डिफरेंट लेयर हैं आप देख रहे हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एंड फिफ्थ लेयर। फर्स्ट लेयर में यहाँ पे हमने दो इनपुट प्रोवाइड किए हैं एक्स एंड वाई और फाइनली हमारे फिफ्थ लेयर में हमें आउटपुट जनरेट होकर आएगा। ये जो इनपुट हमारा फर्स्ट लेयर में प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ फर्स्ट लेयर से जो आउटपुट कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होगा वो हमारे लेयर टू में एज ए इनपुट का काम करेगा। इसी प्रकार से लेयर टू का आउटपुट लेयर थ्री के लिए इनपुट का काम करेगा, इसी प्रकार से लेयर थ्री का आउटपुट लेयर फोर के लिए इनपुट, लेयर फोर का आउटपुट लेयर फाइव के लिए इनपुट का काम करेगा, फाइनली हमारे पास में रिजल्ट्स जनरेट होकर आ जाएंगे। तो वन बाय वन हम हर एक लेयर की जो वर्किंग है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर वन की। तो लेयर वन में आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले तो मैं बताऊं ये एक्स और वाई क्या है, तो इसको मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था कि हमें अपनी डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन का वॉश टाइम कैलकुलेट करना और हमारे पास में दो इनपुट है डर्ट है और ग्रीस है। तो इसी प्रकार से अगर मैं मान लूं कि ये x हमारा डर्ट है और y हमारा ग्रीस है, तो
एक्स के लिए हमने तीन लिंग्विस्टिक वेरिएबल वहां डिसाइड किए थे, डर्ट के लिए स्मॉल डर्ट, मीडियम डर्ट एंड लार्ज डर्ट। यहाँ पे हमने दो, तो ये जो दो पॉइंट आप यहाँ देख रहे हो, ये दो पॉइंट एक्चुअली क्या है, दो ही लिंग्विस्टिक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो ग्राफ है, यू नो फिगर है, फिगर में अपन अभी फिलहाल बाद में जब इसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम तीनों लिंग्विस्टिक वेरिएबल यूज करेंगे। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि ये स्मॉल डर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाई डर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो ग्रीस है ये नो ग्रीस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाई ग्रीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इन दोनों के लिए यहाँ पे लेयर वन में ये A1 जो यहाँ पे मेंबरशिप फंक्शन एक्चुअल में अप्लाई होगा, यहाँ पे इसके लिए एक मेंबरशिप फंक्शन अप्लाई होगा स्मॉल डॉट के लिए, और एक मीडिया हाई डॉट के लिए मेंबरशिप फंक्शन अप्लाई होगा। इसी प्रकार से नो ग्रीस के लिए एक मेंबरशिप फंक्शन अप्लाई होगा और हाई ग्रीस के लिए एक मेंबरशिप फंक्शन अप्लाई होगा। तो इसको मैं यहाँ पे फॉर्मूले के तहत आपको दिखाता हूँ। तो ओ रिप्रेजेंट टू द आउटपुट, आउटपुट ऑफ विच लेयर, यहाँ वन लिखा हुआ, वन का मीन्स क्या है, फर्स्ट लेयर। तो आउटपुट ऑफ द फर्स्ट लेयर। आई रिप्रेजेंट टू द हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक वेरिएबल, इट मीन्स कितने मेंबरशिप फंक्शन हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो दैट्स वाई ये आई की जो वैल्यू अभी फिलहाल हमारे, अगर इस ग्राफ के इस डायग्राम की बात करूँ तो इसमें दो हमारे पास में लिंग्विस्टिक वेरिएबल है। तो हम मेंबरशिप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्स के लिए, पहली मेंबरशिप वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होगी, दूसरी मेंबरशिप वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होगी। उसी प्रकार से ये हम टास्क जो करेंगे इनपुट वाई के लिए भी परफॉर्म करेंगे। तो चूंकि यहाँ एक मेंबरशिप वैल्यू वन सेकेंड अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे एक मेंबरशिप वैल्यू, मेंबरशिप फंक्शन अप्लाई होने के बाद में एक वैल्यू जनरेट होकर आ जाएगी। यहाँ पे आई हुई वैल्यू जो है वो अब इस लेयर का आउटपुट हो गई। अब उस लेयर का जो आउटपुट है वो अगली लेयर के लिए इनपुट का काम करेगा। तो चलिए सेकंड लेयर की बात करते हैं। जब सेकंड लेयर में हम देख रहे हैं यहाँ पे पाई फंक्शन अप्लाई किया गया है। पाई फंक्शन इट मीन्स क्या, ये प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो अब हमारा काम क्या है, जो रूल्स यहाँ से जनरेट हो गए उस रूल्स की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस एग्जाम्पल को लेकर किया था। तो ये जो हमारा ये पहला ब्लॉक है ये पहला रूल रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा ब्लॉक है हमारे दूसरे रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले रूल की स्ट्रेंथ हमने इस पहले पाई फंक्शन में अप्लाई किया। तो यहाँ पे आपने देखा कि x का जो a1 है वो यहाँ अप्लाई हो गया और y का जो a3 है इसको अपन जैसे b1 b2 भी, यहाँ पे मैंने b लिया हुआ तो आप इसको b1 b2 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस y का पहला रूल की वैल्यू यहाँ पे चली गई, यानी जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हुई थी वो यहाँ आ गई और जो y में भी वैल्यू कैलकुलेट हुई थी मेंबरशिप फंक्शन के बाद में वो वैल्यू यहाँ आ गई, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे a2 भी यहाँ अप्लाई हो गया, a4 यहाँ आ गया और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो गया। और ये जो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में वैल्यू जनरेट हुई इसको हम w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको वेट कहते हैं। एक्चुअली ये जो वेट है उस रूल की स्ट्रेंथ को बता रहा है कि वो जो कैलकुलेशन हुआ, जो वैल्यू है w में आई, वो इस रूल की कितनी स्ट्रेंथ है। उसी प्रकार से w2 दूसरे रूल की स्ट्रेंथ हमें यहाँ कैलकुलेट होकर आ गई और वो इसका जो आउटपुट है अगले के लिए हमें इनपुट का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि लेयर 3 में क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। लेयर 3 में जब हम जाते हैं तो जो वैल्यू यहाँ से आई, पहली वेट स्ट्रेंथ जो आई W1, दूसरी वेट स्ट्रेंथ जो आई हमारी पास W2, इन दोनों को नॉर्मलाइज करेंगे। यहाँ पे नॉर्मलाइज वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो पहले W1 को नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कि W1 डिवाइड बाई बाकी जितनी वैल्यूज है सबका एडिशन, समेशन ऑफ WI। तो W1 डिवाइड बाई W1 W2 और यहाँ W2 डिवाइड बाई W1 W2, तो दोनों की जो नॉर्मलाइज वैल्यू आ जाएंगी W1 बार एंड W2 बार, यहाँ पे हमारे पास में दोनों की नॉर्मलाइज वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। अब इस लेयर का जो आउटपुट है अगली लेयर में इनपुट का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं अगली लेयर में क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। अगली लेयर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट जनरेट होगा वो एक लीनियर फंक्शन के थ्रू जनरेट होगा। तो जैसे यहाँ पे F1 है, यहाँ F2 है, ये लीनियर इक्वेशन हमने पहले ही देख चुके हैं कि ये क्या होती है, आपका PKX, PQKY एंड RK। PK, QK एंड RK क्या है, यहाँ पे लीनियर पैरामीटर है। K क्या है, पर्टिकुलर रूल, जो हमारा जो रूल हम अभी अप्लाई कर रहे हैं, रूल 9 जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज किया था, तो यहाँ रूल 1 से लेकर 9 तक रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे, उनके लिए अपन को अलग अलग पैरामीटर वैल्यू लेनी होगी। अब चूंकि यहाँ न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो वो रूल जो ये जो पैरामीटर इनकी वैल्यू ट्यून्ड होगी ऑटोमेटिकली लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू। एक्स और वाई क्या है, हमारे यहाँ पे इनपुट है। सो दैट्स वाई जो हमारा इस लेयर में हम देख रहे हैं कि फोर्थ लेयर में कि जो हमारा पहले जो वेट्स थे जो नॉर्मलाइज हुए थे, उन वेट को नॉर्मलाइज होने के बाद में जो हमारे पास में आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस लीनियर इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पे भी वो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन होगा W1 F1 एंड इसी प्रकार से यहाँ भी वो मल्टीप्लीकेशन होगा W2 F2 और इस तरीके से इन दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट होकर आएंगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ से जो आउटपुट जनरेट हुआ वो अगली लेयर के लिए इनपुट का काम करेगा। अगली लेयर पे हम बात करें तो पांचवी लेयर पे ये जो दो वैल्यू यहाँ जनरेट होकर आएंगी दोनों का समेशन यानी एडिशन हो जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने समेशन ऑपरेशन परफॉर्म करा हुआ है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे एडिशन होकर आ जाएंगी और यही हमारा एज अ आउटपुट हमें जनरेट होके
मिल जाएगा और इस प्रकार से हमने यहाँ आउटपुट जनरेट कर दिया। तो ये जो फाइनली हमारे पास में रिजल्ट निकल रहा है वो ये काम किसका है, ये हमारा एक तरह से सिस्टम को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार हमारा सिस्टम ट्रेंड हो गया तो फिर हम उसके बाद में आसानी से वैल्यूज का प्रिडिक्शन चालू कर सकते हैं। तो अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ दी NFIS, आखिर इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, इसकी क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहली क्वालिटी तो है रोबस्टनेस, एक्चुअली सॉलिडिटी ऑफ दी रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट जनरेट होता है वो सॉलिड, इट मीन्स यू नो इट इज नॉन चेंजेबल। एंड देन अपन बात करें इसकी दूसरी क्वालिटी की, दिस NFIS इज हाईली जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी। जैसा कि न्यूरल नेटवर्क में और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी होती है, सेम हमारी NFIS में भी है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है इसकी, कि अभी इस NFIS में मैं आपको एक छोटा सा अगर आइडिया दूं कि फजी इन्फेरेंस सिस्टम में क्या हो रहा था और NFIS में क्या होगा। फजी इन्फेरेंस सिस्टम में आपने देखा था कि चूंकि फजी इन्फेरेंस सिस्टम क्रिस्प वैल्यू पे काम नहीं करता, तो हमें पहले क्रिस्प वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, अभी फजी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, फिर उस फजी वैल्यू पे रूल्स अप्लाई हो रहे थे, फिर फाइनली हमारा जो रिजल्ट जनरेट हो रहा था वो भी फजी रिजल्ट जनरेट हो रहा था, फिर हमको उस फजी रिजल्ट को डीफजीफाई करना पड़ रहा था और फाइनली हमारे पास में रिजल्ट जनरेट होकर आ रहा था। ये सारा काम हमने खुद किया, हमने खुद मेंबरशिप फंक्शन बनाए, खुद रूल्स जनरेट किए, खुद डीफजीफिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, इट मीन्स हमको सारे मेंबरशिप फंक्शन जनरेट करने पड़े और फाइनली रिजल्ट हमें मिला। ये सारा काम हमारे लिए ऑटोमेटिकली NFIS करेगा, यानी हमको बिल्कुल वरीड होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मेंबरशिप फंक्शन लगाएं या कौन सा रूल्स जनरेट करें या कौन सा डिफजिफिकेशन टेक्निक यूज होगी, कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली जो NFIS है इसकी कैपेबिलिटी ही यही है कि ये लर्निंग कैपेबिलिटी को होल्ड करता है, तो ये खुद लर्न करके अपने मेंबरशिप फंक्शन जनरेट करेगा और रिजल्ट प्रोड्यूस करने का काम करेगा। तो ये इसकी अच्छी क्वालिटी है कि अगर हमारे पास में क्रिस्प इनपुट और हमें डायरेक्ट क्रिस्प आउटपुट चाहिए तो दैट्स व्हाई आप NFIS को अप्लाई कर सकते हो प्रेडिक्शन के लिए। लिमिटेशन भी है इसकी, अब चूंकि ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स भी होगा NFIS, और जितना कॉम्प्लेक्स होगा तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी बढ़ेगी। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैं मानता हूँ मेरे सेंस में है कि लार्ज इनपुट, अगर आप एक इनपुट दो इनपुट तक भी लेते हो या 10 इनपुट तक भी लेते हो तब तक तो ये अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाते जाते हो ये NFIS की जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिग्रेड होती जाती है, तो यहाँ लार्ज इनपुट के लिए ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। दूसरा मुख्य चीज है कि चूंकि यहाँ पे आपने देखा ट्यूनेबल पैरामीटर यूज होते हैं, PQ and R, ये ट्यूनेबल पैरामीटर है। तो चूंकि जब हम फजी इन्फेरेंस सिस्टम सुजेनो बनाते तब हम पी क्यू और आर की वैल्यू तो खुद ही जनरेट करके खुद ही प्रिडिक्ट करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सिस्टम को लर्न करना है कि ये पैरामीटर बेस्ट पैरामीटर क्या हो सकते हैं। अगर लर्न करना है तो उसके लिए हमें लर्निंग एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, ट्रेनिंग एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, और अगर हम ट्रेनिंग एल्गोरिथम लगाएंगे तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी की जो है हमारी वो रेस करेगी और जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं और इन सारी चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर NFIS कैसे काम करता है। तो वही सेम प्रॉब्लम जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि हम यहाँ पे एक प्रिडिक्शन सिस्टम अब बनाएंगे, अब हम यहाँ पे कंट्रोलर नहीं डिजाइन करेंगे, हम यहाँ एक प्रिडिक्शन सिस्टम बनाएंगे जिसका काम होगा कि वॉशिंग मशीन के वॉश टाइम को प्रिडिक्ट करना, और हम यहाँ पे भी दो इनपुट देंगे डर्ट और ग्रीस जो क्लॉथ में है, और उसके बेस पर हम देखेंगे प्रिडिक्शन सिस्टम बनाएंगे। तो अच्छा, प्रिडिक्शन सिस्टम बनाने के लिए क्या करना होता है, तो एक जनरल आइडिया मैं आपको दे दूं कि हमको एक डेटा सेट लेना पड़ेगा, पहले तो हमारे सिस्टम को दिए गए डेटा सेट के लिए ट्रेंड करना पड़ेगा, जब हमारा सिस्टम ट्रेंड हो जाएगा तब हम जाके प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया हम मैटलैब का यूज करके देखेंगे और देखते हैं कि कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैटलैब। तो मैटलैब में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐप का एक ऑप्शन है, इस ऐप पे ऑप्शन पे आप जाइए, इस ऐप ऑप्शन पे हमारे पास में ये न्यूरोफजी डिजाइनर एक यहाँ पे टूल है, इस न्यूरोफजी डिजाइनर टूल को आप क्लिक कर दीजिए। ओके, तो ये न्यूरोफजी डिजाइनर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले तो आपको इस स्ट्रक्चर को पूरा समझा दूं कि ये एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले तो लोड डेटा, तो यहाँ कुछ ऑप्शन है ट्रेनिंग टेस्टिंग चेकिंग डेमो। तो पहले तीन का हमें काम होगा, ट्रेनिंग, तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग डेटा अपलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में जिससे कि हम सिस्टम को ट्रेन करें। दूसरा काम होगा टेस्टिंग, तो हम कुछ डेटा बचा के रखेंगे जिसमें हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, और फिर कुछ डेटा हमारे पास में होगा जिससे हम चेकिंग करेंगे कि जो हमारा सिस्टम हमने ट्रेनिंग परफॉर्म की थी क्या हमारा सिस्टम ट्रेंड हुआ है कि नहीं है।
देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उठता है कि डेटा को हम कैसे डिवाइड करें, कि कितना हम ट्रेनिंग के लिए रखें, कितना टेस्टिंग के लिए और कितना चेकिंग के लिए। तो डेटा एनालिटिक्स में अगर आपने स्टडी की होगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन डिसाइड कि कितना पोर्शन हम ट्रेनिंग के लिए रखें, कितना टेस्टिंग और कितना चेकिंग के लिए। एक्चुअल द थिंग इज दैट कि अगर हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो हमको मैक्सिमम रेशियो रखना होता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि सिस्टम हमारा इतनी जल्दी इतनी इजी गोइंग वे पे ट्रेंड नहीं हो पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से प्रॉब्लम को हमको जो ट्रेनिंग सेट है, डेटा सेट है, उसको लार्ज रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पोर्शन हम ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए कंज्यूम करते हैं, देन जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन बचता है उसमें हम दो पार्ट बनाते हैं, एक टेस्टिंग का बनाते हैं और एक चेकिंग के लिए। टेस्टिंग का जो डेटा होता है वो टेस्टिंग का डेटा इस पर्पस में यूज होता है कि जब हम एक बार सिस्टम को ट्रेन करेंगे तो हम टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा सिस्टम ट्रेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, और जब तक ट्रेंड नहीं होता तब तक हमें टेस्टिंग और ट्रेनिंग चालू रखते हैं। फाइनली जब हमारा मुझे ये लगता है कि नहीं भाई हमारा सिस्टम ट्रेंड हो चुका है, तब हम ये चेकिंग डेटा ओपन करते हैं जो कि बिल्कुल हाइड रहता है कहीं पे। इस चेकिंग डेटा को ओपन करके हम सिस्टम पे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। और इस तो डिपेंड ऑन, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम में एक्चुअली चेकिंग डेटा नहीं रखा हुआ, चेक तो मैं नई वैल्यूज के हिसाब से करूंगा। मैंने अपने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो 70% ऑफ डेटा मैंने ट्रेनिंग के लिए ले रखा है और जो 30% डेटा वो मैंने टेस्टिंग के लिए ले रखा है। तो सबसे पहले तो मैं डेटा की बात करूं कि डेटा क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डेटा है क्या। तो दैट्स वे देखिए, अगर यहाँ पे मैंने एक एक्सेल फाइल में बना रखा है डेटा की इनपुट है, इनपुट में दो टाइप का इनपुट था, डर्ट एंड ग्रीस, और आउटपुट जनरेट हुआ। तो सबसे पहले तो मैंने ये डेटा जनरेट किया, ये डेटा सेट खुद ही बनाया हुआ है, जनरेट किया डिफरेंट वैल्यूज के लिए। डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैसे, कि जब हमारा डर्ट 0 है, ग्रीस 0 है, तो आउटपुट कितना आएगा, इट मीन्स हमारा जो वॉश टाइम होगा कितना होगा। इसको आउटपुट की जगह अगर हम यहाँ पे वॉश टाइम लिख दें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, वॉश टाइम। ओके, तो ये हमारा वॉश टाइम हो गया। इसी प्रकार से अगर हमारा डर्ट 10% है और ग्रीस 10% है, तो वॉश टाइम 6.6 मिनट में होगा, जो कि मिनट में कंसीडर किया है। आगे देखो तो अगर 30% डर्ट है, 100% ग्रीस है, तो 40 मिनट वॉशिंग मशीन का टाइम होगा, समथिंग लाइक दैट। ये अच्छा, ये डेटा जो जनरेट किया, जो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, सुजेनो एंड ममदानी जो सिस्टम, फजी इन्फेरेंस सिस्टम जनरेट किए थे, वहीं जाके आप इन वैल्यूज को जनरेट करके देख सकते हो। तो ये सारी वैल्यूज वहीं से जनरेट की गई। तो सबसे पहले मैंने डेटा सेट बनाया, इसमें से 70% जो डेटा था वो कॉपी करके मैंने इसके लिए अपना 70% डेटा को हमने वो ले लिया एज अ ट्रेनिंग डेटा ले लिया, और 30% डेटा को एज अ टेस्टिंग डेटा ले लिया। तो अभी देखते हैं कि इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे टास्क परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला तो हमारा जो काम था, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इस डेटा को आपको टेक्स्ट फाइल पे सेव कर लेना है। तो जैसे ये मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, तो यही सेम डेटा आप यहां से कॉपी कर लीजिए इसको, यहाँ पे ये सेम डेटा यहां से कॉपी कर लीजिए और इसको ले जाकर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा डेटा सेट तैयार हो गया ट्रेनिंग के लिए। ये हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा हो, तो ये डेटा सेट हमारा यहाँ ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गया। और ये आपका वही सेम वैल्यूज है, 70% डेटा यहाँ कॉपी किया गया। अच्छा, जो डेटा यहाँ कॉपी करें आप ट्रेनिंग के लिए, तो आप क्या करें कि जो डेटा को भी 70% को आप 35-35 में बांट लीजिए। तो फर्स्ट 35 स्टार्टिंग के ले लीजिए वैल्यूज, और रेस्ट ऑफ द 35% आप लास्ट की वैल्यूज को ले लीजिए, जिससे कि क्या है, डाइवर्सिटी मेंटेन रहे हमारे प्रॉब्लम में ट्रेनिंग के लिए। देन हमने कुछ 30% डेटा यहाँ पे होल्ड किया हुआ है टेस्टिंग के लिए, तो जो रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज थी उसको हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। चलिए अब हम इस टास्क को अपने सिस्टम में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे NFIS प्रिडिक्ट करेगा। तो देखिए, अगर थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, तो फजी इन्फेरेंस सिस्टम पे आपने बकायदा इनपुट लिया था, फिर मेंबरशिप फंक्शन, उसके लिंग्विस्टिक वेरिएबल बनाए थे, फिर उसमें मेंबरशिप फंक्शन अप्लाई किया हुआ था। बट यहाँ हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपल सबसे पहले डेटा को लोड करेंगे जो हमने ले रखा है ट्रेनिंग पर्पज के लिए, उस डेटा को लोड करते हैं। ओके, तो हमारा डेटा है NFIS, यहाँ पे हम जाते हैं ऑल फाइल्स, यहाँ हमारा डेटा, ये ट्रेनिंग का डेटा था जो मैंने भी आपको दिखाया था, इसको लोड किया।
देन हमारा नेक्स्ट टास्क है जनरेट करना, FIS जनरेट करना। तो FIS जनरेट करते हैं, फाइन। यू कैन सी हियर, ये जो यू नो ग्राफ प्लॉट है, ये है क्या? एक्चुअली ये हमारे डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं वो यू नो आउटपुट के जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये आप देख रहे हो, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक डेटा पॉइंट्स का जो पोजीशन है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप यहाँ ऊपर लिखा भी होगा कि जो ट्रेनिंग डेटा है ये हमारे ओ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब जब आप यहाँ जनरेट FIS पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में देखिए यहाँ क्या है एक्चुअल में, ये यहाँ 3 पहले से लिखा हुआ, ये 3 है क्या एक्चुअल में, ये लिंग्विस्टिक वेरिएबल है। अब हमारे पास में 2 इनपुट थे, तो 2 लिंग्विस्टिक वेरिएबल के देखिए स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो हमने अपनी प्रॉब्लम में भी लिंग्विस्टिक वेरिएबल डर्ट के लिए कितने लिए थे, 3 लिए थे, स्मॉल डर्ट, मीडियम डर्ट एंड लार्ज डर्ट। इसी प्रकार से ग्रीस के लिए हमने क्या लिया था, नो ग्रीस, मीडियम ग्रीस एंड हाई ग्रीस या लार्ज ग्रीस, जो भी आप कहें। तो दैट्स व्हाई यहाँ 3 लिंग्विस्टिक वेरिएबल दोनों में, तो 3 ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ था, हम 3 ही लेकर चलते हैं क्योंकि हमने अपनी प्रॉब्लम में लिया था। अब यहाँ आता है मेंबरशिप फंक्शन सेलेक्ट करना। तो जैसा हम यहाँ पे मेंबरशिप फंक्शन अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हमने ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन चूज किया, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे भी ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन लेते हैं। अब यहाँ पे 2 है, जो आउटपुट है आपका वो आउटपुट या तो कॉन्स्टेंट आएगा या तो लीनियर इक्वेशन का यूज करके आएगा। तो लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमें वही पी क्यू एक्स एंड क्यू के वाई प्लस आर के, ये पूरी लीनियर इक्वेशन जाएगी। तो हम अभी उसको ना करके हम कॉन्स्टेंट वैल्यू जनरेट करके देखते हैं। तो हम कॉन्स्टेंट पे क्लिक कर देते और ओके कर दिया। ओके करने के बाद में ये हमारा FIS सिस्टम बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए जब आप यहाँ देखते हो तो देखो 2 टाइप का बैक प्रोपोगेशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, देन यहाँ पे एक आपकी हाइब्रिड भी है। तो बैक प्रोपोगेशन और हाइब्रिड में से अपन हाइब्रिड चूज करते हैं। इसमें हाइब्रिड में ऑटोमेटिकली बैक प्रोपोगेशन भी इसमें कंसीडर है। एक्चुअली क्या है, यहाँ हम जो है वो बैक प्रोपोगेशन है कि एरर को बैक प्रोपोगेट करे, और आउटपुट कंडीशन जहाँ आउटपुट जनरेट होकर आएगा जिस एंड पे, वहां पे हम मीन स्क्वायर एरर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। कि मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेशन का काम क्या है, कि एरर कैलकुलेट करके ये बताना कि कितनी एरर आ रही, और जितनी एरर आ रही उसके हिसाब से हम बैक प्रोपोगेट करके यू नो वेट्स में चेंजेस परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स व्हाई हाइब्रिड चूज करेंगे। अब नंबर ऑफ epoch अपन यहाँ चूज कर लेते हैं, सपोज दैट 50। epoch इसके लिए यूज किए जाते हैं कि हम अपने सिस्टम की अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेन नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जब ट्रेन नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब इसकी ट्रेनिंग अब स्टार्ट हो गई। तो ये देखिए ट्रेनिंग चल रही है इसकी, तो अब ये 50 स्टेप्स तक ट्रेनिंग इसकी चलेगी। ईच एंड एवरी टाइम यहाँ पे ये एरर्स कितनी आ रही हैं ये बता रहा है। तो आपने देखा कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो जो एरर थी वो हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ आ गई। इट मींस एरर एवरी टाइम रिड्यूस हुई है, यानी एवरी टाइम हमारे सिस्टम ने लर्न किया है। क्योंकि जितनी बार सिस्टम लर्न करेगा तो प्रीवियस एरर से और एरर कम हो जाएगी। तो हमने देखा कि सबसे पहले एरर ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे जैसे सिस्टम ने लर्न किया वैसे एरर डाउन होती चली गई। तो अब यहाँ पे नीचे भी लिखी हुई है कि जो हमारी 50 epoch के बाद में टोटल एरर है वो 0.18541 है। इस प्रकार से हमारी सिस्टम की ट्रेनिंग ओवर हो गई। जब सिस्टम की ट्रेनिंग ओवर हो गई तो वो जो आर्किटेक्चर था 5 लेयर का, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपको वही सेम आर्किटेक्चर यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। कि इसमें क्या आर्किटेक्चर है, कि हमारे 2 इनपुट थे, दोनों इनपुट में 3 मेंबरशिप फंक्शन अप्लाई हुए, देन कितने रूल्स जनरेट हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतने रूल्स जनरेट हुए, देन आउटपुट मेंबरशिप फंक्शन ये है, एंड फाइनली यहाँ समेशन परफॉर्म हुआ और आपको आउटपुट रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। देन ये काम तो हो गया हमारे सिस्टम की ट्रेनिंग का, अब हमको क्या करना है, इसकी टेस्टिंग कराना है। तो टेस्टिंग के लिए हमने अलग से डेटा रखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं कि टेस्टिंग का डेटा पहले अपलोड कर लेते हैं। तो टेस्टिंग का डेटा जब हम अपलोड कर लेंगे, ENFIS में हम जाते हैं, ऑल फाइल्स, ये हमारा टेस्टिंग का डेटा है। इस टेस्टिंग के डेटा को हमने अपलोड कर दिया। ये डेटा पॉइंट्स हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे टेस्टिंग वाले डेटा में है। अब अगर हमारा यही सेम डेटा पॉइंट के लिए हमारा सिस्टम यू नो प्रिडिक्ट कर दे कि हाँ इसी सेम डेटा, चलिए अपन इसको करके पहले दिखा देते हैं कि अब हम इसके लिए टेस्टिंग डेटा अलग से लिए हुए हैं और यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। फाइन,
तो जब आप यहाँ देख रहे हो कि देखिए जो ब्लू कलर के पॉइंट थे ये हमारा ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा था। ये देखिए ब्लू कलर के पॉइंट यहाँ पे अभी भी आपको देखेंगे, ये ब्लू कलर के पॉइंट हमारे क्या था, टेस्टिंग डेटा। और जो हमारा FIS आउटपुट है, फजी इन्फेरेंस सिस्टम को जो आउटपुट है वो ये स्टार मार्क वाले हैं। तो आप देख रहे हो कि हर जगह जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग डेटा था वहीं पे हमारे ये रेड कलर के स्टार पॉइंट्स आए हैं। इट मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो सफिशियंटली ट्रेंड है, जहाँ जो एवरेज टेस्टिंग एरर है वो 0.20 यहाँ पर मिली हुई है। तो कुछ डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं कि डेविएट किए हों, लेकिन मोस्ट ऑफ जो डेटा पॉइंट है वो हमारे टेस्टिंग डेटा के साथ में ही है। इट मीन्स जो ये प्रिडिक्शन है वो रेड कलर के पॉइंट है और जो एक्चुअल डेटा था वो ब्लू कलर के पॉइंट है। तो हमारा सिस्टम परफेक्टली टास्क परफॉर्म कर रहा है। 100% एक्यूरेसी तो नहीं है क्योंकि कुछ टेस्टिंग एरर तो है, क्योंकि सिस्टम की यू नो 100% एक्यूरेसी तब डिपेंड करता है जब हम सिस्टम 100% परफेक्टली ट्रेंड करें। लेकिन ऐसा सिस्टम बना पाना थोड़ा सा लिटिल बिट मुश्किल होता है क्योंकि ये, तो दैट्स वाई अब अपन चलते हैं, ये हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करें कि चेक करें कि आखिर जो प्रिडिक्शन है वो सही प्रिडिक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं यहाँ रूल्स पे, के इस स्ट्रक्चर से तो आप पहले से ही फैमिलियर हैं। तो यहाँ पे अपन इनपुट वैल्यू को चेंज करते हैं। ये इनपुट वैल्यू को चेंज करने के बाद में अपन यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं। तो सपोज दैट मैंने डर्ट ली 21 एंड यू नो जो 21 डर्ट लेता हूँ, और इसी प्रकार से जो यू नो ग्रीस है वो 32% लेता हूँ। तो सिस्टम का देखता हूँ कि सिस्टम जो टाइम प्रिडिक्ट कर रहा है दैट इज 17.5 ये टाइम आ रहा है। इसी प्रकार से मैं एक और देख रहा हूँ, अच्छा ये 17.5 जो आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो का फजी इन्फेरेंस सिस्टम डिप्लॉय किया हो सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, तो जब आप उस सिस्टम में यूज करोगे यही सेम रिजल्ट जनरेट होकर आ रहे हैं। जो वहां प्रिडिक्ट हो रहा था वही हमारा सिस्टम भी प्रिडिक्ट करके बता रहा है, जबकि यहाँ पे हमने कुछ भी डिजाइन नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम इनपुट लिया, इनपुट के हिसाब से लर्न किया सिस्टम ने, और लर्न करने के बाद में दिए गए इनपुट यानी 21% अगर डर्ट और 32% ग्रीस है तो इसके लिए प्रिडिक्ट का 17.5 एंड 100% इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद दी दैट वन सिस्टम जो हमने डिजाइन किया हुआ था। और कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, सपोज दैट अगर हम लें यहाँ पे 26% डर्ट है और यू नो अगर सपोज दैट 41% ग्रीस है, सिस्टम का प्रिडिक्शन है 21.4 एंड इट इज आल्सो द 100% एग्जैक्ट वैल्यू, सेम वैल्यू जो हमारे फजी इन्फेरेंस सिस्टम ममदानी और सिसेनो में आए हुए थे, ये सेम वैल्यू जनरेट होकर आ रही है यहाँ पे। कुछ वैल्यूज के लिए डेविएशन है जरूर, लेकिन वो डेविएशन भी कितना ये बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं 59% डर्ट लेता हूँ और 49% ग्रीस लेता हूँ तो इस सिस्टम के लिए इसका जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है दैट इज यू नो 59% डर्ट एंड 49% ग्रीस, फाइन ओके। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है दैट इज 27, जबकि अगर आप फजी इन्फेरेंस सिस्टम सुजेनो का यूज करोगे जो हमने पहले डिजाइन किया हुआ था उसमें जो टाइमिंग थी दैट वाज 26.4 और यहाँ पे हमें मिल रही है 27। इट मीन डेविएशन तो है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि हमारी एरर कम आई हुई थी। एरर है थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत डेविएशन आ जाता है, लेकिन आपने देखा कि हमारा सिस्टम एग्जैक्टली वही टाइम प्रिडिक्ट कर पा रहा जो सिस्टम हमने डिजाइन किया था, यहाँ सिस्टम ने ऑटोमेटिकली लर्न किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक्यूरेसी लगभग लगभग देखा जाए तो मेंटेन होकर चल रही है। तो फिर भी अगर मैंने आपको ये तीन बताए, तीन जगह पे अगर ये यू नो पहला लिया था 21% डर्ट और 32% ग्रीस और उसमें जो टाइमिंग थी 17.5, दूसरा लिया 26% डर्ट 41% ग्रीस और टाइमिंग थी उसमें 21.4, और तीसरा भी जो मैंने एग्जाम्पल लिया 59% यू नो डर्ट और 49% ग्रीस तो इसमें जो टाइमिंग आई 27 मिनट आई। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज दैट अगर मेरा इनपुट है 25% डर्ट और सपोज दैट 89% ग्रीस, तो अब देखते हैं कि टाइम क्या प्रेडिक्ट करता है। टाइम जो प्रेडिक्ट कर रहा है दैट इज 36.9, एक्चुअल में 25% ग्रीस और 89% के लिए जो हमारा टाइम आया हुआ था फजी इन्फेरेंस सिस्टम सुजेनो में दैट वाज़ द 36.9 इटसेल्फ, और यहाँ पे भी 36.9 यानी 100% मैच कर रहा है।
तो आप देख रहे हो कि एक्यूरेसी कितना मेंटेन करके चल रहा है, जो हमने प्रिडिक्शन किया वो कितना अच्छा एक्यूरेटली सिस्टम लर्न करके अपने आप को इस लाइक बना लिया कि वही सेम रिजल्ट्स वो जनरेट करके दे पा रहा है। मैंने ये जो चार एग्जांपल लिए, मैं आपको अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि जो हमने फजी इन्फेरेंस सिस्टम सुजेनो को बनाया था, क्या उसमें भी यही टाइमिंग आ रही है। तो प्लीज इन वैल्यूज को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। अब हम अपने पुराने वाले सिस्टम चलते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में जनरेट किया था, और मैच करके देखते हैं कि टाइमिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है इन चारों वैल्यूज के लिए। फाइन, तो हम अपने पुराने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं जो सुजेनो का हमने बनाया हुआ था। तो लिखेंगे फजी लॉजिक डिजाइनर, देन सुजेनो अंडरस्कोर फजी डॉट fis एंड प्रेस इंटर। ओके, तो ये फजी इन्फेरेंस सिस्टम है, सुजेनो पे बेस्ड है, तो ये हमने ऑलरेडी बना रखा था। चलिए अब हम इसमें भी देख लेते हैं, इसको हमने डिजाइन किया था एक्चुअल में, तो इसमें क्या टाइमिंग डिफरेंस आता है और उसमें जो हमने टाइमिंग लिया वो क्या आता है। तो दैट्स व्हाई हमने पहला जो टाइम लिया था वो लिया था जिसमें सॉरी जो इनपुट लिया था 21% डर्ट ली हुई थी और 32% ग्रीस लिया हुआ था। लेट्स सी। ओके, हियर यू कैन सी 17.5, यहाँ हमें मिला 17.5, और अगर आपको याद होगा तो हमारा जो प्रिडिक्टर सिस्टम था एनएफआईएस का, उसमें भी 17.5 ही था। ये जो सिस्टम हमने डिजाइन किया है उस सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अडॉप्ट किया और लर्न किया और हमें बता रहा था 17.5 वॉशिंग टाइम होगा, और यहाँ पे हमारे बनाए हुए सिस्टम पे भी सेम टाइम प्रिडिक्ट पहले से कर रहा है, कैलकुलेशन होके आ रहा है। दूसरा हमने लिया था 26% डर्ट एंड 41% ग्रीस, इस पे भी देखते हैं क्या टाइमिंग होती है। इस पे टाइमिंग है आपकी 21.4 एंड इफ यू रिमेम्बर वहां भी 21.4 ही आई थी। देन अपन नेक्स्ट को ट्राई करते हैं 59, देन 49, यहाँ पे देखिए 27.4, यहाँ 27.4 आ रही है। ओके, एंड वहाँ थोड़ा सा कुछ डेविएशन था, शायद 27 आ रही थी आपने देखा था, तो ये थोड़ा सा डेविएशन की थोड़ी एरर है, अदरवाइज एग्जैक्टली लगभग लगभग प्रिडिक्शन है 25% डर्ट एंड 89% ग्रीस, देन वी कैन सी 36.7 एंड वहां पे भी जो मैचिंग थी ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम थी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमने सिस्टम एनएफआईएस का यूज करके प्रेडिक्ट किया वो लगभग लगभग वही रिजल्ट जनरेट कर रहा जो सिस्टम हमने डिजाइन किया हुआ था। तो कितना अच्छा बेनिफिट मिला हमें एनएफआईएस का यूज करके कि जब हमने वहां पे ना तो मेंबरशिप फंक्शन अपनी तरफ से लिया, ना तो हमने रूल्स बनाए, सारा चीज ऑटोमेटिकली परफॉर्म हुआ, और सिस्टम को ट्रेन जरूर कराया हमने, ट्रेनिंग प्रोवाइड की। ट्रेनिंग डेटा जो है थोड़ा अच्छा डेटा होना चाहिए, अगर अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है तो देखिए उसका जो प्रिडिक्शन भी है ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम है जो सिस्टम हमने यहाँ डिजाइन किया था सुजेनो फजी इन्फेरेंस सिस्टम का यूज करके। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एनालिटिक्स दिखाना चाहूंगा। एनालिटिक्स में यहाँ व्यू में आप जाएंगे तो पहले तो रूल तो रिजल्ट जनरेट करने के लिए नीचे अपन आते हैं सरफेस पे। तो ये सरफेस एक्चुअली क्या है, यहाँ क्या देखने के लिए मिलता है, ये सरफेस प्लॉट हुआ है, एक्चुअली ये 3D प्लॉट है। यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले तो इसे समझते हैं कि यहाँ इनपुट है, तो ये इनपुट x एक्सिस में इनपुट 1 लिया गया है, y एक्सिस में इनपुट 2 लिया गया है, एंड z एक्सिस में हमारा आउटपुट है। 3 डायमेंशनल डायग्राम है जिसमें ये जो प्लॉटिंग बता रहा है वो रेग्रेशन एनालिसिस जो हम परफॉर्म करते हैं डेटा के लिए। तो अगर हमारा जो डेटा है वो लीनियरली रेग्रेटेड है तो दैट्स व्हाई ये स्मूथ सरफेस आपको मिलेगा, लेकिन कहीं पे अगर डेटा में कुछ वेरिएशंस हैं तो ये आपको फ्लक्चुएशन यहाँ दिखाई देगा, ये फ्लक्चुएशन की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो चूंकि मोस्ट ऑफ दी जो प्लॉटिंग है वो सरफेस हमारा बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, प्लेन है, तो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ दी डेटा जो हमने ट्रेनिंग के लिए यूज किया था वो रेग्रेटेड है, बट ये थोड़ा सा लीनियर रेग्रेशन यहाँ पे कम परफॉर्म हुआ है। इसको इस तरीके से समझाते हैं कि दिखाता हूँ कि क्या है इसमें डिफरेंस। कि सपोज दैट हम केवल इनपुट 1 को प्लॉट करके दिखाना चाहते हैं कि इनपुट 1 को ये देखिए, तो इनपुट 1 हमारा क्या था, डर्ट। तो डर्ट में क्या है, 40% डर्ट तक तो हमारी जो मशीन है वो क्या कर रही है कि जो जो उसका वॉश टाइम है उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा,
लेकिन 40% से 60% तक में थोड़ा सा वेरिएशन आया है जो वॉश टाइम है वॉशिंग मशीन का, लेकिन 60% के बाद अगर डर्ट बढ़ी है तो उसमें थोड़ा सा ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं, यानी कि उस हिसाब से वॉश टाइम आपका इंक्रीज कर गया है। तो मोस्ट ऑफ द डेटा जो हमारा जो आउट वो था इनपुट डेटा है इसके लिए डर्ट के लिए वो लीनियरली स्मूथ है, लेकिन इस पॉइंट पे आके अचानक से ड्रास्टिकली जो उसका वॉश टाइम है वो इंक्रीज कर रहा है। यही चीज अगर हम कंपेयर करें किससे, ग्रीस से, तो ग्रीस में आप देख रहे हो कि ग्रीस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही लीनियर वे पे ये जो लाइन है वो बिल्कुल आगे बढ़ रही है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो वॉश टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रीस के। तो हम सभी जानते हैं कि कपड़े में अगर थोड़ी बहुत धूल है, 50% तक भी धूल है, तो वॉशिंग मशीन उतना ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन अगर हम ग्रीस की बात करें थोड़ा टफ होता है उसको धुलना, क्लीन करना शर्ट को कपड़े को, तो दैट्स वे जितना ग्रीस ज्यादा होगा उतनी उसका वॉश टाइम और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो ग्रीस के अकॉर्डिंग की कितना, जितना ग्रीस बढ़ रहा है उतना ही हमारा टाइम बढ़ रहा है। तो ये एक तरह से डेटा एनालिटिक्स भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो और आप इसको स्टडी कर सकते हो। अब इसके बाद में हम आते हैं कि ये जो हमने स्टडी की इसको कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि दी गई डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन के लिए जब हम वॉश टाइम कैलकुलेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तो यहाँ हमने देखा कि जब 21% डर्ट थी, ग्रीस 32% था, तो जो हमारा फजी इन्फेरेंस सिस्टम है उसमें टाइम ये आया, और NFIS में भी सेम टाइम आया, 26% डर्ट और ग्रीस के लिए सेम टाइम लगभग लगभग मैच कर गया। हाँ थोड़ा 59% डर्ट और 49% ग्रीस के लिए थोड़ा सा वेरिएशन आया क्योंकि थोड़ा बहुत एरर थी सिस्टम की ट्रेंड करने में, तो बाकी आपने देखा ऑलमोस्ट जो रिजल्ट हो ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इस प्रकार से अगर मैं कंक्लूड करूं इस NFIA सिस्टम को, तो इसके अंदर दो कैपेबिलिटीज ऐड हो गई, एक तो फजी लॉजिक की कैपेबिलिटी ऐड हुई कि वो नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करता है, और न्यूरल नेटवर्क की कैपेबिलिटी ऐड हुई लर्न करने की। तो यहाँ पे हमने सिस्टम को इन सच ए भी बनाया कि जो रिजल्ट जनरेट करने का एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है कैसे नॉलेज जनरेट हुआ, और साथ में सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी ये भी आ गई कि वो लर्न कर सकता है, और हमने लर्न कराने के बाद में रिजल्ट जनरेट करे और हमने देखे कि सारे रिजल्ट्स लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। सो दैट वॉज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग NFIS। सो थैंक यू एवरीवन।